नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंस्ट्रक्शन नॉलेज में। दोस्तों बिना वक्त गवाए सीधा वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज से हम प्लम्बिंग सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो इस प्लम्बिंग सीरीज में हम प्लम्बिंग के बारे में, हर एक फिटिंग्स के बारे में, पाइपलाइंस के बारे में, उसके इंस्टॉलेशन के बारे में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे, ताकि अगर वीडियो लंबी होती है तो वो आपको समझने में दिक्कत करेगी। तो ये प्लम्बिंग सीरीज की सारी वीडियोस मैं अपने प्लम्बिंग प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो सबसे पहले जो वीडियो हम शुरू करने वाले हैं, इसमें SWR फिटिंग के बारे में जानकारी लेने वाली है। तो सबसे पहले SWR का मीनिंग आप समझ लीजिए। SWR का मीनिंग होता है आपका सॉइल वेस्ट एंड रेन वाटर पाइप। तो दोस्तों ये मोस्टली एक्सटर्नल फिटिंग्स में आती है, तो इसके लिए जो सारी फिटिंग्स है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो फिटिंग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं उसे कहा जाता है वाई, या सिंपली वाई बेंड कहा जाता है। तो इसमें दो प्रकार के वाई रहते हैं, एक तो सिंगल वाई रहता है या डबल वाई रहता है, पर वो जब डबल वाई का वीडियो आएगा तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। तो अभी आपके सामने जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है इसे कहा जाता है सिंगल वाई, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो इसका आपको मैं डिटेल बता देता हूँ, पहले इसका जो ये एंगल जो रहता है, यहां से जो एंगल रहता है, ये एंगल रहता है आपका 45 डिग्री, ठीक है। और इसके आपको 75 mm से 160 mm तक की साइजेस मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलग अलग तरह के ब्रांड्स है, जैसे कि प्रिंस हो गया, आशीर्वाद हो गया, सुप्रीम हो गया, और कई तरह के लोकल ब्रांड भी अवेलेबल रहते हैं। उस ब्रांड के हिसाब से इसकी वैल्यू, मतलब इसकी जो प्राइस है वो भी अलग अलग होती है। फिर भी इसकी मिनिमम प्राइस 50 रुपए से ऊपर ही जाती है, 50, 55, 60 तक इसकी ब्रांड के अनुसार इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको ये समझना है कि इसका यूज कहाँ पे होता है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर देख के समझ में आता होगा, जहां पे दो पाइपलाइन को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि आपको बाथरूम का आपका जो वेस्ट वाटर लाना है, या फिर टॉयलेट का वेस्ट वाटर लाना है, और उसको एक ही लाइन में से लेके जाना है, तो कंटिन्यूटी के लिए इसका मोस्टली यूज होता है। आप ये समझ लें कि जो भी फिटिंग रहती है वो पाइप कंटिन्यूटी के लिए यूज होती है। तो दोस्तों अभी इसका मोस्टली जो इसका जो कलर रहता है वो ग्रे कलर रहता है। ये इजी टू इंस्टॉल रहता है, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए इजी रहता है, क्लीनिंग के लिए भी इंस्टॉलेशन रहता है। और इसका जो मिनिमम लाइफ है, अगर आप अच्छे ब्रांडेड यूज करते हो तो 50 ईयर्स तक की इसकी लाइफ दी जाती है जनरली। तो आप इस वीडियो में इसे ठीक से देख सकते हो, इसके थ्री ओपनिंग है, 1, 2 और एक बॉटम साइड में ये तीसरी ओपनिंग है, ठीक है। दूसरी तो बात दोस्तों, इसके अंदर एक ओवल एक रिंग भी आती है यहाँ पे, जिससे कि वो लीकेज का आपका फिटिंग प्रॉपर होने के लिए आपको वो रिंग भी मिलती है, जो ब्लैक और येलो कलर के स्ट्रिप में दिखाई देती है। वो उस रिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके बारे में आपको बाद में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आप इसको देख लीजिए ठीक से, ताकि आपको कभी भी ये अगर आप मार्केट में लेने जा रहे हो तो पहले इसकी जानकारी जरूर रख लेना, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि साइट पर इसका एक्चुअल में किस तरह से यूज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि WC लाइन को डिवाइड करने के लिए इसका यूज किया गया है। तो आप देखो, कभी अगर आपको जगह की कमी होती है, या फिर आप एक ही जगह से सभी पाइप नहीं लेके जा सकते हो, तो उस जगह पे आपको ये वाई बेंड का यूज होता है। तो आप इस वीडियो में भी और सही से देख सकते हो कि पाइप को किस तरह कंटिन्यू किया गया है। और हाँ, इसके बारे में और एक जानकारी आपको देनी थी, इसकी जो लाइफ साइकिल के बारे में बताया था कि इसकी 50 साल की लाइफ रहती है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड का यूज़ करते हो। अलग अलग कंपनियाँ इसकी लाइफ की गारंटी देते हैं कि ये इतने साल तक चलेगा, पर अगर आप लोकल मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो उतना नहीं चलेगा। इसमें दूसरी बात ये भी रहती है कि आप किस तरह का आपका जो प्लम्बिंग का डिज़ाइन है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर वाटर प्रेशर आपका ज़्यादा है और आप लो क्वालिटी यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे केस में ये फिटिंग ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। तो इस बात का आप ज़रूर एक बार ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।